So, बच्चे हम लोग बात कर रहे थे लिविंग वर्ल्ड की, और लिविंग वर्ल्ड में हम लोग पढ़ चुके थे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होता है, और डाइवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश किए थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने की कोशिश किए थे, और इसी चैप्टर को आज कंटिन्यू करता हूँ बच्चे। तो अगला कैटेगरी हमारे पास, अगला अगला जो टॉपिक है हमारे पास, वो टॉपिक है बच्चे टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी कहने का मतलब क्या होता है बच्चे? टेक्सोनॉमी कहने का मतलब ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग डील कर रहे हैं किसके साथ, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन के साथ डील कर रहे हैं बच्चे ना। तो हम बात कर रहे थे टेक्सोनॉमी की। तो टेक्सोनॉमी में क्या था, कल आपको बताया था मैं बच्चे, कल आपको समझाया था कि आपके क्लास में अगर किसी बच्चे की एंट्री होती है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले उसके ड्रेस कोड को देखते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को देखते हैं, हेयर्स का ग्रोथ देखते हैं, लॉन्ग हेयर, शॉर्ट हेयर, ड्रेसिंग कोड क्या है, मोस्टिक बियर्ड का डेवलपमेंट देखते हैं। तो इन सारे कैरेक्टर के बेसिस पे आप क्या किए, पहले डिस्क्रिप्शन लिए और कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफाई कर लिए। क्लासिफिकेशन करने का मतलब, सॉरी क्लासिफाई नहीं, आइडेंटिफाई कर लिए। सबसे पहला बच्चे क्या किए, आप डिस्क्रिप्शन लिए और डिस्क्रिप्शन लेके आप क्या किए, आइडेंटिफाई किए मेल या फीमेल के रूप में। आइडेंटिफाई हो गया बच्चे, उसके बाद क्या करेंगे, पहला डिस्क्रिप्शन हो गया, देन आइडेंटिफिकेशन हो गया, और आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करने की कोशिश करेंगे। या तो उससे उसका नाम पूछ लेंगे, या तो कुछ नाम रख देंगे, कुछ नाम रख दिए या कुछ नाम पूछ लिए उससे, है ना, नोमेनक्लेचर की बात पूरी हो गई। अब उससे आप बातें करने की कोशिश करेंगे, और बात करके अगर आपकी बातों को सुनता है, अगर आपकी बातों को समझता है, आपको पार्टी देता है, देन इट इज अ गुड फ्रेंड, और अगर पार्टी नहीं देता है देन इट इज अ बैड फ्रेंड। तो टर्म क्या क्या आया हमारे पास बच्चे? टर्म हमारे पास, सबसे पहला टर्म हमारे पास आया डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, और दूसरे टर्म की बात करते हैं बच्चे तो दूसरा टर्म हमारे पास आ रहा है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। और तीसरे टर्म की मैं बात करता हूं बच्चे तो तीसरे टर्म पे आ जाता है हमारे पास नॉमेनक्लेचर, नामांकन, किसी का नाम दे रहे हैं हम लोग, है ना, नॉमेनक्लेचर। और चौथे टर्म की बात करते बच्चे, आप उसको क्लासिफाई कर रहे हैं गुड फ्रेंड में या बैड फ्रेंड में, है ना, गुड फ्रेंड है या बैड फ्रेंड है, दैट इज अबाउट द क्लासिफिकेशन। सो ये सारे टर्म्स की बात कर रहे थे बच्चे। तो दो टर्म हमारे पास था, सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी में डिस्क्रिप्शन को नहीं काउंट किया जाता बच्चे, क्या क्या काउंट किया जाएगा, सबसे पहला टर्म आ गया बच्चे हमारे पास आइडेंटिफिकेशन, दूसरा टर्म आ गया नॉमेनक्लेचर, और तीसरे टर्म की बात कर लीजिएगा क्या हो गया, क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो टेक्सोनॉमी कहने का मतलब, टेक्सोनॉमी दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, पहला है टैक्सिस और दूसरा है नोमोस। टैक्सिस करने का मतलब अरेंजमेंट, और नोमोस करने का मतलब लॉस और रूल्स। तो किसी रूल्स के हिसाब से ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना, किसी रूल्स के हिसाब से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना, कैटेगराइज करना, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, टैक्सोनॉमी। सो अ स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, जैसे कैरेक्टराइजेशन की बात कर रहे थे, आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे थे, नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे थे, एंड क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, दिस इज अबाउट द टैक्सोनॉमी। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, तो अगला टर्म हमारे पास आता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स की बात कीजिएगा बच्चे तो ये भी अगेन उसी तरह का प्रोसेस है, वहां पे डिस्क्रिप्शन को नहीं इंक्लूड किया गया, यहां पे डिस्क्रिप्शन को भी इंक्लूड किया जाएगा। जैसे देखिएगा, आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है किसके बेसिस पे, डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे, देन नॉमेनक्लेचर किया जा रहा है, देन क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, एंड देन व्हाट अबाउट द एफिनिटी, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है उसके साथ, हम एफिनिटी चेक करते हैं किसके साथ एफिनिटी ज्यादा है, किसके साथ सिमिलरिटी ज्यादा है, दैट्स अबाउट द सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स में चार टर्म आते हैं बच्चे, डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, और इसके अलावा हम बात करते हैं उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या रहा होगा। सिस्टमैटिक्स में हम देख रहे हैं बच्चे कि इवोल्यूशनरी ट्रेंड क्या उसका रहा होगा, दैट इज अबाउट द सिस्टमैटिक्स। अगेन ये भी क्लासिफिकेशन का ही तरीका है, एक अरेंजमेंट का तरीका है। सिस्टमैटिक टर्म की बात कीजिएगा बच्चे तो ये किसके द्वारा दिया गया था, लिनस के द्वारा दिया गया था। सिस्टमा लैटिन वर्ड है,
और इस लैटिन वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चे? इस लैटिन वर्ड का मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को हम सिस्टमेटिक रूप से अरेंज कर रहे हैं, क्या बोल लीजिएगा? सिस्टमेटिक्स। आपको दो बातें ध्यान रखनी, अगर सिस्टमेटिक कहीं भी आए ना तो सबसे पहला बोलिएगा डी आई एन सी। डिंक कहने का मतलब बच्चे सिस्टमेटिक्स। एक और टर्म इसमें ऐड कर दे रहा हूं, डिंक के अलावा मैं बोल दूं तो डिंक के अलावा आप बोल लीजिएगा डिंक एफिनिटी। एफिनिटी, डिंक एफिनिटी। डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड व्हाट अबाउट द एफिनिटी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है? तो ये सारे टर्म्स आ जाएंगे बच्चे किसमें? सिस्टमेटिक्स में। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, तो सिस्टमेटिक्स और टेक्सोनॉमी कहने का मतलब क्या था? कुछ नहीं, एक तरह का पर्टिकुलर अरेंजमेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप 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 में बांटना। तो उसके लिए कुछ रूल कुछ फॉलो करना पड़ेगा रूल्स बच्चे, है ना? दैट्स अबाउट द सिस्टमेटिक्स एंड टेक्सोनॉमी। अब इसी को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं, मॉडर्न टेक्सोनॉमी। मॉडर्न टेक्सोनॉमी करने का मतलब अभी भी हम अरेंजमेंट ही कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो नए टेक्निक आ गए हैं, नए जो कुछ भी डिस्कवरी हो चुकी है, इसके बेसिस पे बहुत सारे कैरेक्टर को इंक्लूड करके क्लासिफाई करना। जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, डेवलपमेंटल प्रोसेस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, बोल सकते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन और फाइटोकेमिस्ट्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर लीजिएगा बच्चे, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अगर बात कर लीजिएगा एक्सटर्नल, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन चेक कर रहे हैं, कॉपरेशन है या कॉन्फ्लिक्शन है, पॉजिटिव इंट्रैक्शन है या नेगेटिव इंट्रैक्शन है, यहां पे बोल लीजिएगा कोऑपरेशन, कोऑपरेशन, ठीक है। और दूसरे पॉइंट पे आ जाइएगा, क्या बोल लीजिएगा? कॉन्फ्लिक्शन, कॉन्फ्लिक्शन। कॉपरेशन की बात कीजिएगा बच्चे, पॉजिटिव इंट्रैक्शन, और यहां पे बात कर लीजिएगा तो नेगेटिव इंट्रैक्शन, है ना? ये हो गया। तो सारे पॉइंट को एक साथ मिला के हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं। तो ऐसे इसके लिए जो टर्म यूज किया जाएगा, दिस इज अबाउट द मॉडर्न टेक्सोनॉमी। नाउ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, बायो सिस्टमैटिक्स, नियो सिस्टमैटिक्स एंड नियो सिस्टमैटिक्स कैन बी साइनोनिमसली यूज्ड। सुनिएगा, न्यू एंड न्यू, ये सारे जो टर्म्स है ना बच्चे, मॉडर्न सिस्टमैटिक्स की बात कीजिएगा, बायो सिस्टमैटिक्स की बात कीजिएगा, न्यू सिस्टमैटिक्स की बात कीजिएगा, न्यू सिस्टमैटिक्स की बात कीजिएगा, सारे टर्म्स एक दूसरे के साइनोनिमस है। मॉडर्न टेक्सोनॉमी में भी जितने भी कैरेक्टर इंक्लूड किए गए थे क्लासिफिकेशन के लिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बेसिस पे, बायो सिस्टमैटिक्स के बेसिस पे, इन सारे बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना, सब एक क्लासिफिकेशन का तरीका है। जैसे मैं आपको कल बताया था कि अगर आप चाहते हैं घर में एक लाइब्रेरी सेट करना, तो लाइब्रेरी सेट करने का क्राइटेरिया क्या होगा भाई? हम सबसे पहले इसको तीन सेक्शन में बांटेंगे। पहला सेक्शन इंजीनियरिंग का होगा, दूसरा सेक्शन मेडिकल का होगा, तीसरा सेक्शन जनरल स्टडी का होगा। अब मेडिकल वाले सेक्शन में आते हैं तो तीन ब्रांचेस दिखेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बायो वाले सेक्शन में जाते हैं तो तीन दो दो ब्रांचेस दिखेंगे, बोटनी और जूलॉजी। बोटनी वाले ब्रांच में जाते कई सारे सब सेक्शन देखने को मिल रहे हैं, टेक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, बहुत सारे सेक्शन दिख रहे हैं। अगर जेनेटिक्स वाले सेक्शन में गए तो सारे बुक लगभग सिमिलर दिख रहे हैं, लगभग सिमिलर चीजें लिखी हुई है, थोड़ी बहुत डिफरेंसेस, बहुत माइन्यूट लेवल पे डिफरेंसेस। तो हम लोग क्लासिफाई क्यों कर रहे थे? हम लोग क्लासिफाई इसलिए कर रहे थे ताकि हमको पढ़ना आसान हो जाए, ताकि हम लोग को आगे की ओर प्रोसीड करना आसान हो जाए। हम ढूंढने के लिए बुक गए, एक बार में निकाल के लेके चले आए, दैट वॉज द पर्पस ऑफ अवर क्लासिफिकेशन। टेक्सोनॉमी भी इसी का पार्ट है, टेक्सोनॉमी भी और सिस्टमेटिक्स भी इसी का पार्ट है। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, सो टेक्सोनॉमी की बात करते, इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया, किस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, किस बेसिस पे हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, इसके बेसिस पे इसको दो दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी है हमारे पास साइटोटेक्सोनॉमी, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, क्या बोल लीजिएगा? साइटोटेक्सोनॉमी।
बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोजोम नंबर एंड स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर. क्रोमोजोम नंबर कितना है, क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमोजोम का बिहेवियर क्या है, इसके बेसिस पे क्लासिफाई कर रहा है, तो ऐसे क्लासिफिकेशन को क्या बोल देंगे, साइटोटैक्सोनॉमी. और अगर केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं बेस्ड ऑन द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट्स लाइक अल्केलॉइड्स कैरेटिनॉइड्स टैनिन्स पॉलीसेक्राइड न्यूक्लिक एसिड फैटी एसिड अमाइनो एसिड एंड एरोमेटिक कंपाउंड एक्सेट्रा. इन सारे बेसिस पे अगर क्लासिफाई कर रहे हैं तो इसको क्या नाम दे दीजिएगा, कीमोटैक्सोनॉमी. क्या नाम दीजिएगा बच्चे, कीमोटैक्सोनॉमी. केमिकल कैरेक्टर उसका क्या है, केमिकल नेचर क्या है, उसमें एल्केलॉइड्स कितने परसेंट है, उसमें पॉलीसेक्राइड कितना परसेंट है, कौन सा वहां पे कैरेटिनॉइड है, कौन सा एल्केलॉइड्स है, कौन सा टैनिन्स कितने अमाउंट में मिल रहा है, ये सारे बेसिस पे क्लासिफाई कर रहा है, तो ऐसे क्लासिफिकेशन को, ऐसे टैक्सोनॉमी को हम लोग क्या बोल देंगे, कीमोटैक्सोनॉमी. साइटोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे हुआ तो साइटोटैक्सोनॉमी, और केमिकल कैरेक्टर के बेसिस पे हुआ तो क्या बोलेंगे बच्चे, कीमोटैक्सोनॉमी. आगे की ओर बढ़ते बच्चे, अगले पॉइंट पे आते हैं. तो अगला पॉइंट है हमारे पास बच्चे बायोडायवर्सिटी. बायोडायवर्सिटी की बात करते बच्चे, बायोडायवर्सिटी करने का मतलब क्या होता है, तो बायोडायवर्सिटी करने का मतलब होता है बच्चे, बायो कहने का मतलब लिविंग और डायवर्सिटी कहने का मतलब डिफरेंसेस. दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, पहला टर्म है बायोस और दूसरा टर्म है डायवर्सिटी. बायो कहने का मतलब लाइफ बोल लीजिएगा, लाइफ, और डायवर्सिटी कहने का मतलब डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म. तो लाइफ के अलग अलग फॉर्म क्या है, अब बोलिएगा सर कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर है. पहले बोल देता हूं बच्चे प्रोकैरियोटिक, पहले क्या बोल लीजिएगा, प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक हो गया बच्चे. दूसरे पॉइंट में क्या बोल लीजिएगा, यूकैरियोटिक है. दो तरह के ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहा है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक की बात कीजिएगा बच्चे, फर्दर इसको दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है, इसको बोल लीजिएगा पहला है यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, और दूसरे की बात कीजिएगा तो क्या बोल लीजिएगा, मल्टीसेलुलर, ना मल्टीसेलुलर. तो अलग अलग लाइफ का फॉर्म देखने को मिल रहा है, कुछ प्रोकैरियोटिक है, कुछ यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में कुछ यूनिसेलुलर है, कुछ मल्टीसेलुलर है. अलग अलग लाइफ का जो फॉर्म देखने को मिल रहा है ना, इसी के लिए टर्म हम लोग क्या यूज करते हैं, बायोडायवर्सिटी. सर कुछ समझाएं, एग्जांपल देखें बच्चे, आप घर से बाहर निकलते होंगे, देखते होंगे बहुत छोटे से प्लांट है, कुछ सरफेस पे अटैच प्लांट है, कुछ उससे बड़े हैं, कुछ और बड़े हैं, और कुछ बहुत बड़े ट्री की तरह देखते हैं. तो प्लांट में ये डायवर्सिटी दिख रहा था, कुछ बहुत छोटे थे, कुछ उससे बड़े, कुछ उससे बड़े, हर्ब्स शॉप्स एंड ट्रीज, कुछ ग्राउंड से अटैच रहते हैं, सरफेस ड्वेलर्स, है ना. तो इस तरह से प्लांट में डायवर्सिटी देखने को मिला. छोड़िए, आप प्लांट के लीफ को देखने की कोशिश कीजिए, लीफ का शेप अलग अलग देखने को मिलता है, लीफ का साइज अलग अलग देखने को मिलता है, लीफ का कलर अलग अलग देखने को मिलता है. व्हाट इज दिस, दिस इज डिफरेंसेस अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, बायोडायवर्सिटी. अब प्लांट में मैं डायवर्सिटी की बात कर लीजिएगा तो प्लांट डायवर्सिटी बोल देंगे, एनिमल्स में डायवर्सिटी की बात कर लेंगे तो एनिमल्स डायवर्सिटी बोल देंगे. सर एनिमल्स में भी डायवर्सिटी होता क्या, जी हाँ बच्चे, अगर मैं बात कर लेता हूं एंट की, साइज देखिए कितना छोटा है, बैक्टीरिया का साइज उससे भी छोटा, टिड्डी की साइज की बात कर लेता हूं उससे बड़ा, रैट की बात कर लेता हूं उससे बड़ा, कैट की बात कर लेता हूं उससे बड़ा, एलिफेंट की बात कर लेता हूं उससे भी बड़ा. तो साइज बहुत छोटा से बहुत बड़ा की ओर जा रहा है. तो ये जो साइज में वेरिएशन दिख रहा है, शेप में वेरिएशन दिख रहा है, स्ट्रक्चर में वेरिएशन देखने को मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, डायवर्सिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एनिमल डायवर्सिटी. प्लांट डायवर्सिटी हो गया, एनिमल्स डायवर्सिटी हो गया, और तीसरे पॉइंट पे आ जाऊं तो तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, माइक्रोबियल डायवर्सिटी. और तीनों को मिला के एक साथ बोल देंगे तो क्या बोलिएगा, बायोडायवर्सिटी. तो बायोडायवर्सिटी में बच्चे तीन टर्म आया हमारे पास, पहला टर्म आया हमारे पास कौन सा, प्लांट डायवर्सिटी, प्लांट डायवर्सिटी, डायवर्सिटी. दूसरे पॉइंट पे आ जाते बच्चे तो दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है एनिमल डायवर्सिटी, एनिमल डायवर्सिटी.
डाइवर्सिटी। और तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं बच्चे, तो तीसरे पॉइंट हमारे पास कौन सा जाता है बोल लीजिएगा, माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, माइक्रोबियल डाइवर्सिटी। और तीनों को एक साथ मिला दूं तो क्या बोल लीजिएगा, तीनों को एक साथ मिला दूं तो क्या बोल लीजिएगा बच्चे, बायोडाइवर्सिटी। क्या नाम दे दीजिएगा, बायोडाइवर्सिटी, है ना। सो जैसे हम बात कर रहे थे कुछ इंफॉर्मेशन बायोडाइवर्सिटी की, तो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज नोन एंड डिस्क्राइब्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इज अबाउट 1.7 to 1.8 मिलियन। ये आपका बच्चे एनसीईआरटी का डाटा है ना, सॉरी ये आपका एनसीईआरटी का डाटा है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, अच्छा आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर बात कर लेते हैं 1.7 में से 1.2 मिलियन क्या है, एनिमल्स है, और इस एनिमल्स में भी सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन मिलता है, इंसेक्ट मिलता है। और 0.5 मिलियन में कौन आ रहा है बच्चे, 0.5 मिलियन में आ रहा है प्लांट। सो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सोनॉमी इज अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। हम टेक्सोनॉमी की बात करेंगे तो टेक्सोनॉमी का पर्पस क्या होगा भाई, हम डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं हम, नए ऑर्गेनिज्म को एक खोज के एक पर्टिकुलर ग्रुप में रख रहे हैं, उसका नाम दे रहे हैं, ये सारी चीजें है ना। मैक्सिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कीजिए बच्चे, डाइवर्सिटी बहुत हाई है, टेम्परेचर भी मिल रहा है, बोल लीजिएगा वाटर रेनफॉल भी बहुत अच्छा खासा है, तो वहां का एनवायरमेंट बड़ा ज्यादा सुटेबल है प्लांट के ग्रोथ के लिए, इसीलिए वहां पे डाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलती है। सेकेंड मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी इज फाउंड इन कोरल रिफ। अब इस पहला तो दिख गया बच्चे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, दूसरा डाइवर्सिटी कहाँ देखने को मिलता है, कोरल रिफ में। कहां पे, कोरल रिफ। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, अगला टर्म आ जाता है हमारे पास टेक्सोनॉमी का। डिस्क्रिप्शन की तो बात करेंगे नहीं बच्चे, जो आपको दिखेगा वो चीजें लिखेंगे। सर स्नेक जैसा, स्नेक कुछ रस्सी जैसा था, पास जाने पे यूं उसका हाफ पार्ट बॉडी खड़ा हो जा रहा था, दैट इज अबाउट द डिस्क्रिप्शन। सर बड़ा सा था, उसमें वेन्स बीच में ट्रेवल कर रहे थे, तो आप जैसे चीजों को रिप्रेजेंट करते, दैट इज अबाउट द डिस्क्रिप्शन। आइडेंटिफाई भी कर लेंगे किसके जैसा सिमिलर, मदर के जैसा सिमिलर है तो गर्ल्स है, और फादर के जैसा सिमिलर है तो बॉय है ना, दैट्स इट। तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया। अगले टर्म पे हम आ जाते हैं बच्चे नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो नोमेनक्लेचर करने का मतलब क्या बोलेंगे, नामांकन, उसको नाम प्रोवाइड कर देना। हम तो नोमेनक्लेचर में तेज है बच्चे, नए क्लास, जिस बच्चे की नए क्लास में एंट्री हुई थी है ना, उस बच्चे का या तो हम नाम पूछ लेते या तो उसका नाम रख देते, मोटा है तो मोटू, पतला है तो पतलू, और चश्मा पहन रहा है तो चश्मी, और नहीं तो पता नहीं क्या क्या। अब नाम रखने में तो तेजी है ना, तो हम चलते हैं नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो नोमेनक्लेचर दो तरह का होता है बच्चे, एक को बोल देते हैं हम लोग लोकल नोमेनक्लेचर और दूसरे का नाम देते हैं बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। पहला है लोकल नोमेनक्लेचर, लोकल नेम, और दूसरा है बायोलॉजिकल नेम, नेम एंड दूसरा हमारे पास बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल नेम। अगर लोकल नेम की बात करते बच्चे, तो लोकल नेम कहने का मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किस नाम से जाना जा रहा है। जैसे मैं एक सब्जी की नाम बताता हूं, कुछ जगह पे इस सब्जी को तुरई बोलते हैं, कुछ जगह पे इसी सब्जी को नेनुआ बोलते हैं, कुछ जगह पे इसी सब्जी को परोर बोलते हैं, तो ये उसका लोकल नेम हुआ। अगर बात कर लेते हैं साइंटिफिक नोमेनक्लेचर की, तो साइंटिफिक नोमेनक्लेचर जैसे मैंगो की बात कर लेते हैं, तो मैंगो का साइंटिफिक नोमेनक्लेचर मैंगिफेरा इंडिका हो जाएगा, है ना। तो इस तरह करके वैसा नेम जो पूरे वर्ल्ड में जाना जा रहा है, वर्ल्ड में ना बोल के बोलिए जाओ, जितने कंट्री एक साथ एसोसिएटेड है उस सारे कंट्री में जिस नाम से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जाना जाएगा है ना, इसी को क्या बोल देंगे, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर या बायोलॉजिकल नेम। अच्छा बायोलॉजिकल नेमिंग की जरूरत क्यों पड़ी, जैसे हम लोग किसी रिसर्च लैब में गए और वहां पे कई जगह से लोग आए हुए थे, हम काम करना चाह रहे थे मैंगो पे, मैंगो का नाम हम कुछ और बताते, वो बेचारा समझता है कुछ और वो समझ रहा है कुछ और, तो वही सब्सटेंस ला के देगा, मैं उसको डांटूंगा या जो कुछ भी बोलूंगा वो समझ ही नहीं पा रहा कि मैं मंगवाना के चाह रहा हूँ, तो उसको इमेज दिखाना पड़ता है ये मंगवाना है मुझे,
तो वो बोलता है अच्छा इसका तो ये नाम है ना, आप तो ये बोल रहे थे तो मैं ये लेके आ रहा। बात समझ में आ रही है? तो एक कॉमन नेम होना चाहिए जिसके थ्रू पूरे पूरे वर्ल्ड में जाना सके, जाना जा सके। मतलब जितने कंट्री एसोसिएटेड हैं वहां पे काम जब हम कर रहे हैं तो वो चीजें आसान हो जाए, इसीलिए हम एक पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट नेम इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल नेम और बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, है ना। तो चलते हैं बच्चे अगले पॉइंट पे। सबसे पहला आ जाता है हमारे पास, दो तरह का सिस्टम होता है, बाइनोमियल सिस्टम और ट्राइनोमियल सिस्टम। नोमेनक्लेचर का दो तरह का सिस्टम है, पहला है बाइनोमियल सिस्टम, नाम ही लिखा हुआ है बाइनोमियल। अगर नोमेनक्लेचर में दो कंपोनेंट हो, कोई ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम में दो कंपोनेंट हो तो बोल लीजिएगा बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, है ना। तो ये बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर दिया किसके द्वारा गया था? ये दिया गया था बच्चे कार्लस लिनस के द्वारा, है ना, कार्लस लिनस के द्वारा। कार्लस लिनस को हम लोग बोल देते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी, है ना। जैसे कार्लस लिनस की बात करते हैं तो कार्लस लिनस एक बुक पब्लिश किए थे जिसका नाम था स्पीसीज प्लांटेरम, और दूसरा बुक जिसका नाम था सिस्टम ऑफ नेचर, है ना। तो स्पीसीज प्लांटेरम में फर्स्ट एडिशन जो पब्लिश हुआ था बच्चे, वो 1 मई 1753 में, इनिशिएशन ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट। मतलब अगर मैं बात करूं, रियली मैं बात करूं ना बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर की, तो सबसे पहले ये दिया गया था गस्पर्ड बोहिन के द्वारा, और गस्पर्ड बोहिन के प्रिंसिपल को अपने बुक में इंप्लीमेंट किए सबसे पहली बार, सॉरी बोल सकते हैं सबसे पहली बार ऑर्गेनिज्म के नेम को पॉपुलराइज करने की कोशिश किए, पब्लिश करने की कोशिश किए। तो इसीलिए हम गैस्पर्ड बोहिन को ना जान नहीं जानते हैं, जानते हैं किसको, कार्लसनेस को। कार्लसनेस नोमेनक्लेचर को पब्लिश करने का काम किए थे। तो अपने स्पीशीज, अपने बुक स्पीशीज प्लांटेरियम में कई सारे प्लांट को नोमेनक्लेचर नेम प्रोवाइड करने की कोशिश किए थे, और सिस्टम ऑफ नेचर में बहुत सारे एनिमल्स के नेम को प्रोवाइड करने की कोशिश किए थे, है ना। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, तो अगला टर्म है हमारे पास बच्चे आईसीबीए। तो नोमेनक्लेचर की बारी आती है बच्चे, तो आपकी मर्जी होगी, आप भी रख देंगे बोलेंगे यही बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है, सब लोग इसी नाम से जाना, कुछ और की नहीं, लोग की मर्जी होगी वो उस नाम से रख देंगे। तो एक एजेंसी बनाई जाती है, एक कमेटी बनाई जाती है, एक संगठन बनाया जाता है जिसके थ्रू नोमेनक्लेचर प्रोवाइड किया जा सके, नेम प्रोवाइड किया जा सके, नोमेनक्लेचर किया जा सके, है ना। तो हम बोल सकते हैं सबसे पहला हमारे पास है ICBN, एक ऐसा संगठन जिसके द्वारा बोटनिकल नोमेनक्लेचर किए जाते हैं, जिसके द्वारा प्लांट के नेम प्रोवाइड किए जाते हैं। ICBN वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1961 एंड स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर। तो हम ICBN के हिसाब से चलते हैं कि प्लांट के नोमेनक्लेचर में क्या कुछ रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए। सबसे पहले रूल पे आ जाते हैं बच्चे, तो नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैज टू वर्ड्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म को हम लोग बायोलॉजिकल नेम प्रोवाइड करना चाहते हैं और बाइनोमियल सिस्टम से, तो यहां पे दो वर्ड, पहले वर्ड की बात करते हैं, तो पहला वर्ड हमारे पास है जेनरिक नेम और दूसरा वर्ड है हमारे पास स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक नेम की बात करते हैं बच्चे, जैसे पहला दिख रहा है हम लोग को मैंगीफेरा, दूसरा वर्ड क्या दिख रहा है इंडिका, तो मैंगीफेरा क्या हो गया जेनरिक नेम, इंडिका क्या हो गया स्पेसिफिक एपिटेट, और ये किसका नाम है मैंगो का नाम। तो दो वर्ड आया ना, इसीलिए क्या बोल रहे थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, क्या बोल रहे थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दो वर्ड आया इसलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नहीं स्टॉप किया हुआ, आ जाइए, मतलब कट जाएगा वीडियो, कट जाएगा। हाँ हाँ जी सियोर, शुड बी स्टार्ट, वीक लॉक कर दिया है ना। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की,
तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर में दो कंपोनेंट की वजह से इसको नाम दिए थे बायनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसे मैंगो का नेम है मैंगीफेरा इंडिका, दो कंपोनेंट आया, पहला मैंगीफेरा दूसरा इंडिका। मैंगीफेरा रिप्रेजेंट द जेनरिक नेम, जीनस स्पीसीज फैमिली ऑर्डर, ये सारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। आगे चल के इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले रूल पे आते हैं। पहला रूल था किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू नेम प्रोवाइड करना चाहते हैं तो दो कंपोनेंट होगा। पहला कंपोनेंट था जेनरिक नेम, जीनस का नेम, और दूसरा कंपोनेंट था स्पेसिफिक एपिथेट। अगले रूल पे आते हैं, तो अगला रूल है टोटोनेम्स आर नॉट वैलिड इन ICBN बट एक्सेप्टेड इन ICZN। ICBN stand for International Code for Botanical Nomenclature and ICZN stands for International Code for Zoological Nomenclature। सीधा सीधी बात है बच्चे, यहाँ पे एनिमल्स का नेम प्रोवाइड किया जाएगा, और अगर मैं बात कर लेता हूं ICBN में तो प्लांट का नेम प्रोवाइड किया जाएगा, प्लांट का बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर किया जा रहा है। तो जब कभी भी आप प्लांट का नोमेनक्लेचर करने की कोशिश कीजिएगा तो टोटोनेम्स अलाउड नहीं होता है। टोटोनेम्स करने का मतलब सिमिलर नेम्स, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे नाजा नाजा, ये नेम है इंडियन कोबरा का, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है, तो दोनों सिमिलर वर्ड है ना, सिमिलर वर्ड के लिए टर्म हम यूज करते हैं टॉटोनेम्स। तो प्लांट के नोमेनक्लेचर में इस तरह का नहीं अलाउड होता है। जैसे अगर हम चाहें मैंगीफेरा मैंगीफेरा यूज करना तो ये नेम वैलिड हमारे पास नहीं। बट अगर बात करें एनिमल्स के नोमेनक्लेचर में तो हमारे लिए अलाउड है टॉटोनेम्स, जैसे नाजा नाजा, रानाट ग्रीना, तो एनिमल्स का नेम है। लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग वर्ड भी यूज हो सकते हैं, हो सकता है टोटोनेम्स हो सकता है टोटोनेम्स ना हो, है ना। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, तीसरे लॉ पे आ जाते हैं। तीसरे लॉ की बात करते हैं, द फर्स्ट लेटर ऑफ जेनरिक नेम। जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पे दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग जेनरा, और अगर मैं बात कर लू इसकी तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीसीज को, है ना, स्पीसीज। तो जीनस का फर्स्ट लेटर, जो जीनस वर्ड जो है इसका फर्स्ट लेटर कैसा है, कैपिटल में है, बाकी सारा लेटर कैसा है, स्मॉल है। तो तीसरा रूल क्या कहता है, फर्स्ट लेटर ऑफ जेनरिक नेम शुड बी इन कैपिटल लेटर एंड फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट शुड बी इन स्मॉल लेटर। कुछ नहीं, आपको ध्यान रखना है जीनस के नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारा कैसा रह जाएगा, स्मॉल। बट जीनस के नेम में और स्पेसिफिक एपिथेट के बीच में थोड़ा सा गैप देना जरूरी होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले रूल पे आते हैं। अगर आप अपने हाथों से लिख रहे हैं किसी भी प्लांट का, एनिमल्स का बायोलॉजिकल नेम, तो आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, और जब आप कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हैं तो इटैलिक फॉन्ट में लिखना पड़ेगा। जैसे अगर हम मैंगीफेरा इंडिका लिखना चाहते हैं तो मैंगीफेरा को अलग रूप से अंडरलाइन करना पड़ेगा नीचे की ओर से, और अगर बात कर लेते हैं इंडिका की तो इंडिका को भी अंडरलाइन, लेकिन दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। और जब हम टाइप करते हैं तो इसको इटैलिक फॉन्ट में रख लेते हैं। दैट्स अबाउट द व्हेन रिटन विद हैंड फ्री और टाइप्ड देन जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन बट ड्यूरिंग प्रिंटिंग द नेम शुड बी इटैलिसाइज्ड। इसका जरूरत कब पड़ता है, जब आप पेपर पब्लिश करवाने जा रहे हैं, जब अपने रिव्यू पेपर को, रिसर्च पेपर को पब्लिश करवाने जा रहे हैं, अगर उसमें कोई भी स्पीसीज का बायोलॉजिकल नेम प्रोवाइड किए हैं तो उसको इटैलिसाइज करना पड़ेगा। अगर इटैलिसाइज करके नहीं देते हैं तो वो पेपर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले रूल पे आते हैं, द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड द नेम और नोमेनक्लेचर शुड बी रिटन इन शॉर्ट फॉर्म आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, डिस्कवरर का नाम हम लोग लिख देते हैं कि कौन सा साइंटिस्ट इस प्लांट के नेम को प्रोवाइड किया है, कौन सा साइंटिस्ट इस एनिमल के नेम को प्रोवाइड किया है। जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिनस के द्वारा प्रोवाइड किया गया था मैंगीफेरा इंडिका नेम, एंड दैट्स व्हाई द मैंगीफेरा इंडिका लिन, क्योंकि ये टाइप्ड है इसीलिए इटैलिक साइज फॉन्ट किया हुआ है। अगर हम लोग हाथ से लिखेंगे तो नॉर्मल फॉन्ट होगा और हम लोग इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, बट लिनस के नेम को अंडरलाइन नहीं करेंगे। आप चाहेंगे तो इसको अंडर ब्रैकेट रख सकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, इसको अंडरलाइन करना नहीं होता। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, अगले रूल पे आते हैं, द नेम ऑफ साइंटिस्ट इज नाइदर अंडरलाइन नॉर इटैलिसाइज्ड। ना आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं ना इटैलिक फॉन्ट में लिख सकते हैं, इट शुड बी इन नॉर्मल फॉन्ट एंड इट शुड नॉट बी अंडरलाइन।
बट रिटेन इन रोमन लेटर सिंपल अल्फाबेट, दैट्स इट, मैंगीफेरा इंडिका लीन। आप देख पा रहे होंगे मैंगीफेरा इंडिका को इटेलिसाइज किया गया बट लीनस को इटेलिसाइज नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं, द साइंटिफिक नेम शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज बिकॉज दे आर डेड लैंग्वेज। ये जो मैंगीफेरा इंडिका वर्ड है ये किसका डेरिवेटिव है, तो बोल लीजिएगा लैटिन और ग्रीक वर्ड का डेरिवेटिव है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, टाइप अ स्पेसिमेन हर्बेरियम सीड ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट शुड बी प्लेस्ड इन हर्बेरियम। अगर कोई हम प्लांट को डिस्कवर करते हैं, कोई भी प्लांट की डिस्कवरी होती है, प्लांट की डिस्कवरी नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं आइडेंटिफाई किए, कैरेक्टराइज किए हैं, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिए, कहीं पे आप घूमने के लिए गए वहां से कोई प्लांट का कैरेक्टर नोट किए और नोट करने के बाद आइडेंटिफाई किए, मोनोकॉट में जा रहा है, डाइकॉट में जा रहा है, प्लांट है, ट्रेडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, कैरेक्टराइज कर लिए, उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर एंड देन उसका क्लासिफिकेशन। तो ये सारे प्रोसेस करने के बाद आपको उसका एक हर्बेरियम सीड बना के म्यूजियम में जमा करना पड़ेगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, नोमेनक्लेचर की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूं, अगर टेक्सोनॉमिक नोमेनक्लेचर की बात कीजिएगा तो नोमेनक्लेचर में एक और पॉइंट आता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो शायद पढ़ना नहीं है। ट्राइनोमियल तीन कंपोनेंट आएंगे, जैसे होमोसेपियंस सेपिया, अगर तीन कंपोनेंट आ रहा है तो क्या बोल लीजिएगा, ट्राइनोमियल सिस्टम। बस इतनी ही सी कहानी, आगे बढ़ लेते हैं। सो अगले टॉपिक पे जाते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करते हैं। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल बता रहा था, अपने घर में एक लाइब्रेरी सेट करना चाहते हैं तो हमको तीन कैटेगरी में बांटना पड़ेगा, एक इंजीनियरिंग का है, दूसरा मेडिकल सेक्शन है और तीसरा हमारे पास जनरल स्टडी का है। मेडिकल वाले सेक्शन में गए तो तीन सेक्शन दिख रहा था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बायो वाले सेक्शन में दिखेंगे तो दो सेक्शन दिखेगा, बोटनी और जूलॉजी, बोटनी वाले सेक्शन में जाएंगे कई सब सेक्शन देखने को मिल रहा है, टेक्सोनॉमी मिल रहा है, मॉर्फोलॉजी मिल रहा है, एनाटॉमी मिल रहा है, हम एनाटॉमी वाले सेक्शन में गए सारे बुक लगभग सिमिलर है। तो ये था क्या, क्लासिफिकेशन का एक तरीका। टेक्सोनॉमी कैटेगरी है क्या, एक क्लासिफिकेशन का तरीका। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की, तो जैसे बता रहा था बोटनी वाले सेक्शन में गए तो बहुत सारे सब सेक्शन मिले, सब सेक्शन में एक सेक्शन था टेक्सोनॉमी का, तो टेक्सोनॉमी वाले ग्रुप में सारे बुक को देखेगा तो लगभग सिमिलर कंटेंट होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस, बहुत माइन्यूट लेवल पे डिफरेंसेस। और जो मैं चला गया सबसे अपर लेवल पे, मेडिकल इंजीनियरिंग और जनरल स्टडी पे चला गया और मेडिकल वाले बुक को मिला रहा हूं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब अगर किंगडम की बात कर लेंगे तो डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होगा, जैसे जैसे स्पीशीज से जीनस की ओर बढ़ते जाएंगे ये डिफरेंसेस क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और अगर किंगडम से स्पीशीज की ओर आए तो डिफरेंसेस क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। ये सीक्वेंस वाइज आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम लोग शॉर्टकट भी देख सकते हैं, स्पीशीज स्टैंड फॉर सर, जीनस स्टैंड फॉर जी, फैमिली स्टैंड फॉर फैमिली, देन ऑर्डर स्टैंड फॉर और, एंड क्लास स्टैंड फॉर क्लास, एंड डिवीजन, डिवीजन के टर्म पे दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं फाइलम, फाइलम कहने का मतलब पे, दैट इज अबाउट द फाइलम। दोनों टर्म सेम है बच्चे, सेम है लेकिन अलग अलग जगह पे यूज किया जाएगा। डिवीजन की बात कीजिएगा तो डिवीजन टर्म जो है ना सिर्फ और सिर्फ प्लांट के लिए यूज किया जाएगा, और अगर फाइलम की बात करेंगे तो ये फाइलम टर्म एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, तो एनिमल्स के लिए हो गया बच्चे। ठीक है, आगे चलते हैं, एनिमल्स के लिए, और लास्ट में जाते हैं बच्चे किंगडम, किंगडम कहने का मतलब राज है। तो आप बोल सकते हैं सर जी फैमिली और क्लास पे किसका राज है, सर फॉर स्पीशीज, जी फॉर जीनस, फैमिली फॉर फैमिली, आर फॉर ऑर्डर, क्लास फॉर क्लास, पे फॉर फाइलम और डिवीजन, एंड राज है फॉर किंगडम। तो ये पूरा सीक्वेंस में याद करना जरूरी होता है, जैसे जैसे आप किंगडम से स्पीशीज की ओर बढ़ेंगे सिमिलर कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा, और स्पीशीज से किंगडम की ओर जाएंगे सिमिलर कैरेक्टर घटता चला जाएगा। तो 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हमारे पास आए, देयर आर 7 मेन टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, दे आर ऑब्लिगेट और ब्रॉड कैटेगरीज। ये पूरा का पूरा ब्रॉड कैटेगरीज है, बिगेस्ट कैटेगरीज की बात कर लीजिएगा तो किंगडम है, और स्मॉलेस्ट कैटेगरी की बात कर लीजिएगा तो स्पीशीज है। तो स्पीशीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे लोएस्ट पॉइंट पे है ना, तो इसको बोल देंगे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सो स्पीशीज इज द
अ स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की ही बात कर रहे थे, कुछ एग्जांपल के तौर पे देखने की कोशिश करते हैं। एक टर्म आ रहा है टेक्सोनॉमिक हायरार्की। टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहने का मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग और असेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे मैं अभी स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम अरेंज किया हुआ था, तो नीचे में सिमिलर कैरेक्टर सबसे ज्यादा, ऊपर में सिमिलर कैरेक्टर सबसे कम। तो अगर ऊपर से आए तो सिमिलर कैरेक्टर क्या होता जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। जैसे आप पीछे वाले स्लाइड में देख सकते हैं, अगर मैं किंगडम से स्पीशीज की ओर आ रहा हूं तो सिमिलर कैरेक्टर क्या होता चला जा रहा है? सिमिलर कैरेक्टर बढ़ता चला जा रहा है। और स्पीशीज से किंगडम की ओर जा रहा है तो सिमिलर कैरेक्टर घटता चला जा रहा है। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है क्या, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? हायरार्की। आगे की ओर बढ़ते हैं। सो डिसेंडिंग और असेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इज नोन एज टेक्सोनॉमिक हायरार्की। द क्लासिफिकेशन ऑफ एनी प्लांट और एनिमल्स इज रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसको लिखना पड़ता है हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले किंगडम को लिखना पड़ेगा, देन फाइलम को लिखना पड़ेगा, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड देन स्पीशीज, एंड देन आफ्टर सब स्पीशीज और समथिंग लाइक। जैसे एक एग्जांपल की बात करता हूं, मैंगो की क्लासिफिकेशन को देखने की कोशिश करते हैं। तो मैंगो की क्लासिफिकेशन देखने, मैंगो की क्लासिफिकेशन में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया। पांच किंगडम था आरएच बिटेकर साहब के द्वारा, पूरे के पूरे दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको पांच कैटेगरी में बांटा गया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, उसी में से एक कैटेगरी है प्लांटी। तो यहाँ पे किंगडम हमारे पास पांच था, उस पांच किंगडम में से एक किंगडम कौन सा था? प्लांटी। अब प्लांटी में डिविजन की बात कर लेते हैं, तो एक डिविजन था एंजियोस्पर्म। इसके अलावा भी डिविजन होता है, जी हाँ, इसके अलावा कई सारे डिविजन है, एल्गी, ब्रायोफाइट, ट्रेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एक डिविजन था हमारे पास एंजियोस्पर्म। क्लास की बात कर लेते हैं तो डाइकोटिलेडोनी। सर इसके अलावा भी क्लास होता है? जी हाँ, मोनोकोटिलेडोनी यहाँ पे क्लास है एंजियोस्पर्मी का। आगे बढ़ लेते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं सेपिंडल्स। फैमिली की बात कर लेते हैं एनाकार्डियेसी। जीनस की बात कर लेते हैं मैंगीफेरा। और स्पीशीज की बात कर लेते हैं मैंगीफेरा इंडिका। तो हम एक डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते चले गए, हाईएस्ट कैटेगरी लेवल टू लोएस्ट कैटेगरी लेवल, हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक रैंक टू लोएस्ट टेक्सोनॉमिक रैंक। इसके पूरे क्लासिफिकेशन को आपको याद रखना पड़ेगा कि मैंगो जो है कौन से किंगडम में आता है, तो प्लांटी किंगडम में, कौन से डिवीजन में आता है तो एंजियोस्पर्मी में, देन कौन सी क्लास में आता है तो डाइकोटिलेडोनी में, ऑर्डर कौन सा सेपिंडल्स, फैमिली कौन सा एनाकार्डियेसी, जीनस कौन सा मैंगीफेरा और स्पीशीज कौन सा मैंगीफेरा इंडिका। इसी तरह से हम वीट की बात करते हैं, तो वीट में अगर हम बात कर ले किंगडम की, क्या बोल लीजिएगा? प्लांटी किंगडम है ना, उसके बाद डिवीजन कौन सा? एंजियोस्पर्मी। सबके सब फ्लावरिंग प्लांट है, मैंगो की बात कीजिएगा अगेन फ्लावरिंग, वीट की बात कीजिएगा अगेन फ्लावरिंग, है ना, तो इसको बोल देते हैं एंजियोस्पर्मी। उसके बाद क्लास की बात कर लेते हैं, तो क्लास एक डाइकोटिलेडोनी, यहाँ पे कैसा है? मोनोकोटिलेडोनी, एक ही कोटिलेडोन होंगे सीड में, क्या बोल लीजिएगा? मोनोकोटिलेडोनी। ऑर्डर की बात करते हैं पोएल्स, फैमिली की बात करते हैं पोएसी, जीनस की बात कर लेते हैं ट्राइटिकम और स्पीशीज की बात कर लेते हैं ट्राइटिकम एस्टिबम। ट्राइटिकम एस्टिबम के अलावा ट्राइटिकम वल्गेरिस भी बोल सकते हैं, और भी कई सारे इसके स्पीशीज देखने को मिल जा सकते हैं। तो ये सारा आपको क्लासिफिकेशन किस ग्रुप में आ रहा है, किस रैंक में आ रहा है, किस टैक्सा में आ रहा है, ये सारे पॉइंट याद करने पड़ेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। सो डॉग की बात करते हैं, कैट की बात करते हैं मैमल्स में, और प्लांट की बात करते हैं, और सॉरी बीट की बात करते हैं, राइस की बात करते हैं, तो प्लांट वाले कैटेगरी में आ रहा था। तो कुछ एनिमल्स का क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कुछ प्लांट का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, वो सारी चीजों को हम लोग को देखना पड़ेगा। जैसे मैंगो के क्लासिफिकेशन में मैं बता दिया किस ग्रुप में सबसे पहले किस किंगडम में आता है, तो प्लांटी किंगडम में, और सारे डिविजन को मैं समझा चुका हूँ। एक टर्म आता है हमारे पास टेक्सा। टेक्सा कहने का मतलब क्या होता है? टेक्सा कहने का मतलब ये जो अलग अलग कैटेगरी बनाए हुआ ना, अलग अलग रैंक बनाए हुआ ना, इसी को आप बोल दीजिएगा टेक्सा। सो किंगडम रिप्रेजेंट और टेक्सा, अगर बोल सकते हैं डिविजन अगेन टेक्सा, क्लास अगेन टेक्सा, ऑर्डर अगेन टेक्सा। तो ये जो अलग अलग लेवल पे रैंक पे बनाया गया ना, क्लासिफिकेशन का एक लेवल बोल सकते हैं, इसी को बोल देंगे टेक्सोनॉमिक रैंक और टेक्सा और टेक्सॉन समथिंग लाइक।
प्लांट की बात करते हैं, प्लांट ऑल्सो फॉर्म अ टेक्सा, वीट इज ऑल्सो अ टेक्सा, अगेन सब रैंक है इसीलिए हम लोग क्या बोल देते हैं, टेक्सा बोल देते हैं। एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग रिप्रेजेंट डिफरेंट टेक्सा एट डिफरेंट लेवल। एनिमल्स की बात कर लीजिएगा, किंगडम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगेन डॉग की बात कर लीजिएगा, स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सारे अलग अलग कैटेगरी पे आ रहे हैं, अलग अलग रैंक पे आ रहे हैं, अलग अलग लेवल पे आ रहे हैं। दैट्स अबाउट, आगे की ओर बढ़ते हैं। सो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्लासिफिकेशन का पर्पस मैं आपको बताया था क्या था, आपकी क्लास में एक नए बच्चे की एंट्री होती है, आप क्या करते हैं, सबसे पहले उसके कैरेक्टर को देखते हैं, उसके ड्रेसिंग कोड को देखते हैं, बियर्ड को देखते हैं, मॉस्टिक, लॉन्ग हेयर, शॉर्ट हेयर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इन सारे कैरेक्टर के बेसिस पे आप क्या किए, आइडेंटिफाई कर लिए, आइडेंटिफाई क्या किए, वो मेल है या फीमेल है। इसके बाद क्या करते हैं, आप उसको उससे उसका नाम पूछते हैं, या तो आप क्या करते हैं उसका नाम रख देते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आया डिस्क्रिप्शन, देन आइडेंटिफिकेशन, एंड देन व्हाट अबाउट नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, उससे बातें करने की कोशिश करेंगे, आपकी बातों को सुनता है, आपको पार्टी देता है, देन गुड फ्रेंड, नहीं पार्टी देता है, बैड फ्रेंड। यही तो था हमारा पार्ट, क्लासिफिकेशन का पूरा सिस्टम। तो क्या सिंगल स्टेप में हम क्लासिफाई कर लिए क्या, नहीं। जिस दिन आप सिंगल स्टेप में, जिस दिन आप सिंगल कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफाई करना शुरू कर लिए, वो क्लासिफिकेशन अच्छा नहीं, बहुत बेकार क्लासिफिकेशन होगा। आगे चल के हम लोग क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे कौन सा अच्छा क्लासिफिकेशन, कौन सा खराब क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस but involves hierarchy of step in which each step represent a rank or category। ये जो classification जो हम कर रहे थे ना बच्चे, अलग अलग level पे, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, rank बोल देंगे, और क्या बोल देंगे, category बोल देंगे, और क्या बोल सकते हैं, taxon बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, taxa बोल सकते हैं। आगे की ओर, all category together constitute a taxonomic hierarchy। जितने भी अलग अलग कैटेगरी है ना, आप किंगडम की बात कर लीजिए, डिवीजन की बात कर लीजिए, क्लास की, ऑर्डर की, फाइलम की, जीनस की, स्पीशीज की, सब अलग अलग रैंक रिप्रेजेंट कर रहा है, सब अलग अलग कैटेगरी रिप्रेजेंट कर रहा है, सब अलग अलग टेक्सा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जितने भी आप डिवीजन की बात कीजिए, सबसे हायर लेवल पे क्लासिफिकेशन किसमें किया हुआ था, किंगडम में, उसके बाद फिर चल लीजिएगा किसमें, डिवीजन में, उसके बाद फिर चल लीजिएगा। कहने का मतलब, एक किंगडम में कई सारे डिवीजन होंगे, एक डिवीजन में कई सारे क्लास होंगे, एक क्लास में कई सारे ऑर्डर होंगे, एक ऑर्डर में कई सारे फैमिली, और एक फैमिली में कई सारे जीनस, और एक जीनस में कई सारे स्पीशीज। आगे चल के एग्जांपल को देखने की कोशिश करेंगे बच्चे। इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टेक्सोन। इसी टेक्सोनॉमिक हायरार्की को हम लोग रैंक बोल सकते हैं, कैटेगरी बोल सकते हैं, और टेक्सोन बोल सकते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते बच्चे। सो टेक्सोनॉमिक हायरार्की की बात कर रहे थे, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात कर रहे थे, जिसमें मैं प्लांट के बारे में आपको बता चुका हूं, है ना। अब कुछ आगे बातें आती है बच्चे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा डिवीजन है, कौन सा ऑर्डर है, कौन सा क्लास है, कौन सा फैमिली है। अगर किसी क्लासिफिकेशन वाले लेवल पे रैंक में, कैटेगरी में, टेक्सोन में फाइटा वर्ड लगा हुआ है, तो आप समझेंगे ये किसका नाम है, डिवीजन का नाम। जैसे हम बात कर लेते हैं डिवीजन की, रोडोफाइटा, है ना। अगर बात कर लेते हैं रोडोफाइसी होता है बच्चे, रोडोफाइसी की बात कर लीजिएगा, तो फाइसी टर्म आ रहा है ना, तो फाइसी करने का मतलब क्या हो जाएगा, क्लास, है ना। जैसे और हम लोग देख सकते हैं वीट की बात कर रहे थे, तो वीट के क्लासिफिकेशन में आप देख सकते हैं, वीट के क्लासिफिकेशन में हम लोग बात कर रहे थे डिवीजन वर्ड कहां पे यूज किया जाता है, फाइटा वर्ड कहां पे यूज किया जाता है, डिवीजन हम एंजियोस्पर्मी वर्ड यूज कर रहे थे, है ना। यहाँ पे एंजियोस्पर्मी टर्म आ रहा है, जैसे आप बोल सकते हैं जिम्नोस्पर्मी, स्पर्मी, एई वर्ड लगा दीजिए या फाइटा वर्ड लगा दीजिए, आप दोनों ही टर्म लगा सकते हैं, एई लगा सकते हैं, जैसे एंजियोस्पर्मी, जिम्नोस्पर्मी, ठीक है। अच्छा छोड़िए, फाइटा वर्ड कहां पे आ जाएगा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, है ना। तो फाइटा वर्ड लगा दीजिए या एई वर्ड लगा दीजिए,
क्लासिफिकेशन, क्लास के लिए बताए बच्चे, क्लास के लिए फाइसी लगा दीजिए या ऑप्सिडा लगा दीजिए, है ना। जैसे आप क्लास के लिए देख सकते हैं, क्लास के लिए यहां पे आ जा रहा है क्या, क्लास के लिए आ जा रहा है एई। अच्छा एक टर्म लिखा हुआ है बच्चे, यहाँ पे फाइसी के क्लास के लिए एई भी लगा सकते हैं। ऑर्डर की बात कर लीजिएगा, एल्स लगाना होता है, ये एल्स लगा हुआ है, और फैमिली के लिए हर हमेशा लगा हुआ होगा एसी। जितने भी फैमिली देखेंगे उस फैमिली में नेम प्रोवाइड किया होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं एनाकार्डिएसी, पोएसी, ये सारे वर्ड्स लगे हुए रहते हैं। सो लोअर द टैक्सा, मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विद इन द टैक्सॉन शेयर्स। जैसे जैसे आप किंगडम से स्पीशीज की ओर आते जाएंगे, किंगडम से स्पीशीज की ओर आते जाएंगे तो सिमिलर कैरेक्टर क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और स्पीशीज से किंगडम की ओर जा रहे हैं तो सिमिलर कैरेक्टर क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। जैसे जैसे हायर कैटेगरी पे हम चले जाते हैं सिमिलर कैरेक्टर क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। सो हम स्पीशीज से अगर किंगडम की ओर जा रहे हैं तो कॉमन कैरेक्टर क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। और अगर किंगडम से सॉरी स्पीशीज से किंगडम की ओर गए, स्पीशीज से किंगडम की ओर गए, सिमिलर कैरेक्टर घट रहा है, किंगडम से स्पीशीज की ओर आए सिमिलर कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। बात कर रहे थे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की, अलग अलग लेवल पे क्लासिफिकेशन किए थे। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जैसे कि आप बात कर सकते हैं बच्चे किंगडम की, जैसे आप बात करते हैं डिवीजन की, आप क्लास की बात कर सकते हैं, ऑर्डर की बात कर सकते हैं, फैमिली की बात कर सकते हैं, जीनस की बात कर सकते हैं, स्पीशीज की बात कर सकते हैं। जैसे जैसे हम किंगडम से स्पीशीज की ओर बढ़ते जा रहे थे सिमिलर कैरेक्टर बढ़ता चला जा रहा था, और अगर हम स्पीशीज से किंगडम की ओर जाते हैं तो सिमिलर कैरेक्टर घटता चला जा रहा। अब कोई टर्म दिया हुआ बच्चे कि ये एक टर्म है, उस टर्म को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये टैक्सॉन एक्चुअली में है कौन सा, तो इस चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चे सबसे पहला टर्म आता है हमारे पास फाइटा। अगर कहीं पे भी सफिक्स यूज किया हुआ है फाइटा, कहीं पे सफिक्स फाइटा यूज किया हुआ है तो आप क्या समझेंगे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिविजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं बच्चे ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा कहने का मतलब क्या हुआ, एक डिवीजन हुआ। एक डिवीजन कहने का मतलब एक किंगडम के अंदर कई सारे डिवीजन आएंगे। जैसे मैं किंगडम की बात करता हूँ, प्लांटी किंगडम की बात करता हूँ, है ना, प्लांटी किंगडम की बात किया बच्चे तो इसमें कई सारे डिवीजन होंगे। जैसे सबसे पहला एल्गी है, देन दूसरे पॉइंट की बात कर ले सकता हूं तो ब्रायोफाइटा है, है ना, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और तीसरे पॉइंट की बात कर लूं तो आप बोल सकते हैं टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं बच्चे हर जगह टर्म क्या इंट्रोड्यूस किया हुआ है, टर्म इंट्रोड्यूस किया हुआ है फाइटा, टर्म क्या इंट्रोड्यूस किया हुआ है फाइटा, एक वर्ड लगा हुआ है, एक सफिक्स लगा हुआ है फाइटा, तो फाइटा इज रिप्रेजेंटिंग अबाउट द डिविजन। अगले पॉइंट पे आते हैं बच्चे, अगला कैटेगरी हमारे पास है क्लास। क्लास के लिए जो वर्ड यूज किया हुआ है बच्चे, वो क्लास के लिए वर्ड यूज किया हुआ है ऑप्सिडा, फाइसी और एई, है ना। जैसे अब क्लास की बात करते हैं तो क्लास में कौन आता आ जाता है बच्चे, क्लास में आप देखेंगे मोनोकोटिलेडोनी क्या यूज किया हुआ है, यहां पे यूज किया हुआ है बच्चे एई, तो एई टर्म आ गया, है ना। रोडोफाइसी बोलते हैं तो रोडोफाइसी बोल रहे हैं, कौन सा टर्म आ रहा है, फाइसी टर्म आ रहा है या नहीं आ रहा है, फाइसी कहने का मतलब रोडोफाइसी, रोडोफाइसी, रोडोफाइसी हो गया बच्चे, ठीक है। अब ऑर्डर पे आ जाते हैं, ऑर्डर के लिए सफिक्स यूज किया हुआ है एल्स, है ना। जैसे आप देखेंगे एक यहाँ पे ऑर्डर यूज किया हुआ है सेपिंडल्स, सेपिंडल्स में आप क्या देख पा रहे हैं, एल्स आ रहा है क्या, एल्स आ रहा है तो एल्स सफिक्स लगा हुआ है तो क्या समझेंगे आप, ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब कभी भी ए सी ई ए ई, ए सी लगा हुआ है, जैसे सोलेनेसी, रोजेसी, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं एनाकार्डिएसी, लास्ट में ए सी लगा हुआ है क्या, और जो ए सी लगा हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो देर इज नो सफिक्स फॉर जीनस स्पीसीज एंड किंगडम. जीनस स्पीसीज और किंगडम के लिए कोई सफिक्स नहीं होता है. मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था जैसे जैसे लोअर टेक्सा लोअर रैंक से आप हायर रैंक की ओर जाएंगे हायर टेक्सा की ओर जाएंगे तो सिमिलर कैरेक्टर क्या होता चला जाएगा घटता हुआ चला जाएगा. जैसे कि लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर और सिमिलरिटीज डिक्रीजेस. स्पीसीज में सिमिलरिटी सबसे ज्यादा उससे कम सिमिलरिटी किसमें जीनस में उससे कम सिमिलरिटी किसमें ऑर्डर में उससे कम सिमिलरिटी किसमें क्लास में देन फाइलम में एंड देन किंगडम में. तो सबसे कम सिमिलरिटी किसमें देखने को मिल रहा है किंगडम में देखने को मिल रहा है. उसी पॉइंट को यहां पे भी आप देख सकते हैं लोअर द टेक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विद इन द टेक्सॉन शेयर. एक स्पीसीज में कई सारे इंडिविजुअल आ रहे हैं और उन सारे इंडिविजुअल की बात कर लेंगे ना तो सिमिलर कैरेक्टर मैक्सिमम होगा. और एक किंगडम में कई सारे फाइलम में आ रहे हैं. जैसे सर कुछ एग्जांपल बताएंगे बच्चे मैं किंगडम एनिमलिया की बात करता हूं. किंगडम एनिमलिया में 11 फाइलम पोरीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा प्लेटीएलमिंथस एस्केलमिंथस एनेलिडा अर्थोपोडा मोलस्का इकेनोडर्माटा हेमिकोडाटा और कोडाटा. तो 11 फाइलम है ना बच्चे सब में डिसिमिलरिटी सबसे मैक्सिमम है. और वही चल लेते हैं एक पर्टिकुलर स्पीसीज की बात कर लेते हैं तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज में कई सारे इंडिविजुअल और ये इन सारे इंडिविजुअल्स में सिमिलरिटी क्या होगा सबसे मैक्सिमम होगा. सो हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द अदर टैक्सा ऑफ द अदर टैक्सा एट द सेम लेवल. अगर मैं बात कर लेता हूं पोरीफेरा और बात कर लेता हूं कोडाटा की दोनों में कोई सिमिलरिटी देखने को मिलता है नहीं मैक्सिमम डिसिमिलरिटी है. तो हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पे हायर टैक्सोनॉमिक रैंक पे हायर टैक्सोनॉमिक बोल सकते हैं टैक्सोन हायर हायर रैंक पे हायर कैटेगरी पे हायर टैक्सोन पे हायर टैक्सा पे डिसिमिलरिटी सबसे ज्यादा और लोअर पे सिमिलरिटी सबसे ज्यादा डिसिमिलरिटी सबसे कम. आगे की ओर बढ़ते बच्चे सबसे फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं सबसे लोएस्ट लेवल पे टैक्सोनॉमिक हायरार्की की बात करते हैं. तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहने का मतलब था डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना किंगडम से स्टार्ट किए स्पीसीज तक पहुंचे इसको हम लोग क्या बोल रहे थे टैक्सोनॉमिक हायरार्की. तो इस हायरार्की में सबसे लोएस्ट लेवल का जो टैक्सा था ना वो कौन सा था स्पीसीज. तो स्पीसीज के बारे में समझते हैं बच्चे. टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद द फंडामेंटल सिमिलरिटी एज अ स्पीसीज. अगर टैक्सोनॉमिक स्टडीज की बात करते हैं तो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के बारे में स्टडी कर रहा है और इन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में सिमिलरिटी क्या है सबसे मैक्सिमम. वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस. एक क्लोजली स्पीसीज से एक क्लोजली स्पीसीज में डिफरेंशिएट करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बच्चे. उसका मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फोलॉजी हमको ज्यादा देखना पड़ेगा. सो वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज. आपको यह समझ में आना चाहिए कि अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है तो इसको हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं. तो स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस. सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सिमिलर दिख रहे हैं एक दो को छोड़ के तो वो डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस कहा जाएगा. आगे की ओर बढ़ते बच्चे तो अगला टर्म आते हैं जीनस पे आते हैं. तो कई सारे लगभग सिमिलर जैसे इंडिविजुअल्स मिलके किसका फॉर्मेशन किए थे स्पीसीज का. अब कई सारे लगभग सिमिलर टोटली सिमिलर नहीं लगभग सिमिलर स्पीसीज मिलके किसका फॉर्मेशन करेंगे जीनस का. सो जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन एज इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा. अब एक जेनरा की बात कर रहे हैं एक जेनरा में जितने भी स्पीसीज आएंगे उनमें सिमिलरिटी ज्यादा दिखेगी. अगर जेनरा नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं जेनरा नंबर फर्स्ट की बात कर रहे थे तो जेनरा फर्स्ट में यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म आ रहा था जेनरा फर्स्ट था यहाँ पे ऑर्गेनिज्म कुछ इस तरीके से आ रहा था कुछ इस तरह के ऑर्गेनिज्म आ रहे थे ठीक है.
अगर जनरल नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं तो जनरल नंबर सेकंड की बात कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह का स्पेसिस आ रहा है, जनरल नंबर सेकंड में कुछ इस तरह का स्पेसिस आ रहा है, बात समझ में आ रही है। तो जनरल नंबर फर्स्ट में जितने भी स्पेसिस आ रहे हैं इसमें सिमिलरिटी क्या है, मैक्सिमम। बी वाले में सिमिलरिटी क्या है, मैक्सिमम। बट इन दोनों को कंपेयर करें तो सिमिलरिटी क्या है, कम है। सिमिलरिटी क्या है, कम है। इच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी। हो सकता है एक जीनस में एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो, रिप्रेजेंटिंग मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, सॉरी, इच जीनस में हैव वन और मोर स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, कई सारे ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी। इनमें सिमिलरिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लगभग कैसा होगा, सिमिलर जैसा होगा। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, सोलेनम टिब्रोसम की बात करते हैं, सोलेनम मेलोंगना की बात करते हैं और सोलेनम निग्रम की बात करते हैं। तो सोलेनम टिब्रोसम करने का मतलब क्या बच्चे, पोटैटो। सोलेनम मेलोंगना करने का मतलब क्या, ब्रिंजल। और सोलेनम निग्रम करने का मतलब क्या, मकोई। आर द थ्री डिफरेंट स्पीसीज बट रिलेटेड स्पीसीज। तीनों अलग अलग स्पीसीज है लेकिन तीनों आपस में रिलेटेड है, हेंस दे ऑल बिलोंग्स टू सेम जीनस कॉल्ड सोलेनम। तो जीनस सोलेनम में तीन स्पीसीज आ जाता है, तीन स्पेसिफिक एपिथेट आ जाता है। पहला है सोलेनम टिब्रोसम, दूसरा है सोलेनम मेलोंगना और तीसरा है सोलेनम निग्रम। तो ये बातें समझ में आई बच्चे, आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं, फैमिली की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आया था स्पीसीज, सबसे पहले कौन सा आया, स्पीसीज, स्पीसीज आया सबसे पहले हमारे पास। और स्पीसीज के बाद कौन आया, स्पीसीज के बाद आया जीनस। जीनस की बात करते हैं तो जीनस बहुत सारे लगभग सिमिलर जीनस मिलके किसका फॉर्मेशन करेगा, फैमिली का। बहुत सारे लगभग जीनस मिलके किसका फॉर्मेशन कर रहा था, फैमिली का। तो फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, लगभग सिमिलर जीनस मिलके किसका फॉर्मेशन कर रहा है, फैमिली का। विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। सबसे ज्यादा सिमिलरिटी किस में देखने को मिलेगा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग मैक्सिमम सिमिलरिटी। इससे कम सिमिलरिटी किस में, जीनस में। जीनस से कम सिमिलरिटी किस में, फैमिली में। आगे की ओर बढ़ते हैं, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। फैमिली का कैरेक्टराइजेशन किसकी वजह से कर पाएंगे, वेजिटेटिव कैरेक्टर की वजह से और रिप्रोडक्टिव फीचर्स की वजह से। ऑफ द प्लांट स्पीसीज बट रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल और फ्लोरल कैरेक्टर आर यूज्ड मेनली। अब रिप्रोडक्टिव और फ्लोरल कैरेक्टर को हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा कंजर्व होते हैं और वेजिटेटिव कैरेक्टर कंजर्व इतना नहीं होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कंजर्व ज्यादा होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएं क्या कि फैमिली है, एक फैमिली जिसका नाम है सोलेनेसी। ये फैमिली अलग अलग जीनस से बना हुआ होगा, कौन कौन सा जीनस है और इन जीनस में आपस में सिमिलरिटी ज्यादा होगी। जैसे पहला जीनस है सोलेनम, कौन सा है, सोलेनम। सोलेनम जीनस में कई सारे स्पीसीज आए, कौन कौन सा स्पीसीज आया था, सोलेनम टिब्रोसम, सोलेनम मेलोंगना, सोलेनम निग्रम, है ना। आगे चलते हैं, अगला फैमिली है, सॉरी अगला जीनस है पिटूनिया और अगला जीनस है दतुरा। तो सोलेनेसी फैमिली कंसिस्ट ऑफ थ्री जीनस, सोलेनम, पिटूनिया एंड दतुरा। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, अब ऑर्डर की बात करते हैं, फिर से रिपीट करता हूं। सबसे नीचे में कौन आया, स्पीसीज। स्पीसीज में सिमिलरिटी सबसे ज्यादा या कम, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। उसके बाद फिर चल लीजिएगा, अगर बात कीजिएगा बहुत सारा लगभग सिमिलर स्पीसीज मिलकर किसका फॉर्मेशन किया, जीनस का। बहुत सारा जीनस मिलकर किसका फॉर्मेशन किया, फैमिली का। बहुत सारा लगभग सिमिलर फैमिली मिलकर किसका फॉर्मेशन किया, ऑर्डर का। किसका, ऑर्डर का। अगर मैं पूछूं आपसे सिमिलर कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो सिमिलर कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसमें होगा और सबसे कम सिमिलर कैरेक्टर किसमें होगा, ऑर्डर में होगा भी, है ना। तो फैमिली में सिमिलर कैरेक्टर ऑर्डर से ज्यादा, जीनस में फैमिली से ज्यादा और स्पीसीज में जीनस से ज्यादा। सो फैमिली की बात करेंगे, सॉरी ऑर्डर की बात करेंगे, तो ऑर्डर किसका बना हुआ है, कई सारे फैमिली से मिलके बना हुआ है, है ना। और फैमिली कई सारे जीनस से और जीनस कई सारे स्पीसीज से। ऑर्डर हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली
with still less number of similarities as compared to family, genus and species or exhibit a few similar character only. सुनिएगा, order has a group of related family. Order में एक group है related family का with a still less number of similarities. फैमिली का ग्रुप है लेकिन फैमिली से सिमिलर कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा. एंड एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलरिटी सिमिलर कैरेक्टर ओनली. अब यहाँ पे सिमिलर कैरेक्टर क्या होगा, बहुत कम होगा. आगे चलते हैं. प्लांट फैमिलीज लाइक कन्वोबुलेसी फैमिली एंड सोलनेसी फैमिली आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर पॉलीमोनियल्स. कौन से ऑर्डर में लिया जाता है, तो ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में लिया जाता है. अच्छा, आगे की ओर बढ़ते बच्चे. अगर आप बात कीजिएगा तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, अभी तक हम लोग बच्चे ये पढ़े, यहां पे ध्यान दीजिएगा. सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले यहां पे जीनस, सबसे पहले स्पीसीस आ रहा था. यहां पे हमारे पास दिख रहा था स्पीसीस, है ना. यहां पे ये वाला बात बोल दिया बच्चे, ये आपको स्पीसीस दिख रहा था, स्पीसीस दिख रहा था. अगर स्पीसीस की बात कीजिएगा तो कई सारा स्पीसीस मिलकर किसका फॉर्मेशन किया था, कई सारा स्पीसीस मिलके फॉर्मेशन किया था जीनस का, किसका, जीनस का. और कई सारा जीनस मिलके किसका फॉर्मेशन किया था, कई सारा जीनस मिलके फॉर्मेशन किया था फैमिली का. और कई सारा फैमिली मिलके किसका फॉर्मेशन किया था, कई सारा फैमिली मिलके ऑर्डर का फॉर्मेशन किया था, किसका, ऑर्डर का फॉर्मेशन किया था, है ना. ऑर्डर हो गया, सॉरी यहाँ पे लिखिएगा ओ आर डी ई आर, ऑर्डर का फॉर्मेशन कर लिया. एग्जाम्पल के तौर पे देखने के लिए बोल रहे थे, तो एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे बच्चे. हमारे पास ऑर्डर कौन सा है, पॉलीमोनियल्स. पॉलीमोनियल्स में दो फैमिली आ रही है, पहला कन्वोबुलेसी फैमिली और दूसरा सोलनेसी फैमिली. सोलनेसी फैमिली में फैमिली किसका बना हुआ था सर, फैमिली बना हुआ था जीनस का, है ना. तो यहाँ पे दो फैमिली आ रहे थे सोलनेसी फैमिली. सोलनेसी फैमिली में तीन जीनस, कौन कौन सा जीनस है, सोलेनम है, पिटूनिया है, दतुरा. और अगर बात कर लेते हैं सोलेनम जीनस की, तो तीन स्पेसिफिक सब एपिथेट, कौन कौन सा, तो सर इसमें आ रहा था सबसे पहले सोलेनम टिब्रोसम, सोलेनम मेलोना और सोलेनम निग्र. बात समझ में आ रही थी बच्चे. आगे की ओर बढ़ते बच्चे, अगले पॉइंट पे आते, क्लास की बात करते. तो अगर हम लोग क्लास की बात करेंगे, तो क्लास की बात करने के समय सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा कि क्लास किसका बना हुआ बच्चे. क्लास बोल लीजिएगा बहुत सारे लगभग सिमिलर ऑर्डर से मिलके बना हुआ होगा, है ना. बहुत सारा ऑर्डर मिलके किसका फॉर्मेशन कर रहा होगा, बहुत सारा ऑर्डर मिलके किसका फॉर्मेशन कर रहा होगा, क्लास का. तो क्लास इंक्लूड ऑर्गेनिज्म ऑफ रिलेटेड ऑर्डर हैविंग लेस सिमिलरिटी देन ऑर्डर. अभी आपको बता रहे थे बहुत सारे स्पीसीज मिलके किसका फॉर्मेशन किया, बहुत सारा स्पीसीज मिलके फॉर्मेशन किया किसका, बहुत सारा स्पीसीज मिलके जीनस का, किसका, जीनस का. बहुत सारा जीनस मिलके किसका, बहुत सारा जीनस मिलके फैमिली का. बहुत सारा फैमिली मिलके किसका, बहुत सारा फैमिली मिलके ऑर्डर का. बहुत सारा ऑर्डर मिलके किसका, क्लास का. बात समझ में आ रही थी, है ना. सो डिविजन इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लास हैविंग अ फ्यू कॉमन कैरेक्टर. अब डिवीजन की बात कीजिएगा, तो डिवीजन क्या है, बहुत सारा क्लास मिलके किसका फॉर्मेशन करेगा, बहुत सारा क्लास मिलके डिवीजन का फॉर्मेशन करेगा, किसका, डिवीजन का. और बहुत सारा डिवीजन मिलके किसका फॉर्मेशन कर लेगा, डिवीजन बोल दीजिए या फाइलम बोल दीजिए, क्या बोल दीजिएगा, फाइलम, फाइलम हो गया. तो बहुत सारा क्लास मिलके डिवीजन या फाइलम का, और बहुत सारा फाइलम मिलके किसका, बहुत सारा फाइलम मिलके किंगडम का, किसका, किंगडम का. डन, ये बातें हो रही थी. सो आगे चलते हैं. ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर. कई सारे कैरेक्टर को मिला के हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक ऑर्डर में रखा जा सकता है. आगे की ओर बढ़ते बच्चे, अगले पॉइंट पे आते हैं. एनसीईआरटी का एग्जाम्पल पे लेके चलते हैं आपको, है ना. जैसे कुछ एग्जाम्पल करने की, एग्जाम्पल दिखाने की बात करता हूं बच्चे. सबसे पहले हमारे पास है ह्यूमन बींग्स, है ना. ह्यूमन बींग्स का क्लासिफिकेशन करने की आप कोशिश कीजिएगा बच्चे, तो ह्यूमन बींग्स का क्लासिफिकेशन कीजिएगा हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर, है ना. तो अगर हम बात कर लेते हैं ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स बच्चे आता है किंगडम कौन सा, एनिमलिया में, एनिमलिया में, ठीक है, एनिमलिया.
किंगडम एनिमलिया हो गया, और इस किंगडम एनिमलिया को कई सारे फाइलम में बांटा गया है, जिसमें से एक फाइलम है कौन सा, एक फाइलम है हमारे पास कोर्डाटा। कौन सा फाइलम है? कोर्डाटा। और उस फाइलम में एक क्लास है, कौन सा क्लास है? मैमल्य। दूसरा, उस क्लास में से एक ऑर्डर है, कौन सा? प्राइमेटा। और उस ऑर्डर में से एक फैमिली है, कौन सा? होमिनिडी। और एक जीनस है, कौन सा? होमोज। और बायोलॉजिकल नेम क्या हो जाएगा? होमो सेपियंस। आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चे। अब किंगडम एनिमलिया का दूसरा फाइलम है आर्थ्रोपोडा। अगर आर्थ्रोपोडा की बात की जगह बच्चे, तो इसमें क्लास आ जाता है, कौन सा क्लास आ जाता है? इंसेक्टा। ऑर्डर कौन सा? एक ऑर्डर है, कई सारे ऑर्डर होंगे जिसमें से एक ऑर्डर है आपका डिप्टेरा, और कई सारे फैमिली होंगे उसमें से एक फैमिली है कौन सा? मस्केडी। और कई सारे जीनस होंगे, एक जीनस है कौन सा? मस्का। और कई सारे स्पेसिफिक एपिटेट होंगे जिसमें से एक स्पेसिफिक एपिटेट है कौन सा? मस्का डोमेस्टिका। बात समझ में आ रही है? अगले पॉइंट पे आते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारे पास वीट के क्लासिफिकेशन को देखने की कोशिश करते हैं। तो अब आ जाते हैं किंगडम प्लांटी में, किसमें जाते हैं ये बात कर लेते हैं, प्लांटी की, है ना, प्लांटी की बात कर लेते हैं। तो किंगडम प्लांटी में कई सारे डिवीजन होंगे, कई सारे डिवीजन होंगे, और जिसमें से एक डिवीजन है कौन सा? एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी की बात कीजिएगा, तो एंजियोस्पर्मी में कई सारे क्लास होंगे, एक क्लास है डाइकोटिलेडॉन, दूसरा क्लास है मोनोकोटिलेडॉन। हम डाइकोटिलेडॉनी को लेकर चलते हैं। क्लास डाइकोटिलेडॉनी में कई सारे ऑर्डर होंगे, जिसमें से एक ऑर्डर दिख रहा है आपके पास कौन सा? सेपेंडल्स। उसके बाद फिर चल लीजिएगा, इस ऑर्डर में कई सारे फैमिली होंगे, जिसमें से एक फैमिली दिख रहा है कौन सा? एनाकार्डियेसी। और एक फैमिली में कई सारे जीनस होंगे, जिसमें से एक फैमिली दिख रहा है कौन सा, सॉरी एक जीनस दिख रहा है कौन सा? मैंगिफेरा। और मैंगिफेरा में कई सारे स्पेसिफिक एपिटेट होंगे, जिसमें से एक स्पेसिफिक एपिटेट दिख रहा है कौन सा? मैंगिफेरा इंडिका। उसी तरीके से आगे चलते हैं, हम वीट के क्लासिफिकेशन को देखने की कोशिश करते हैं। तो वीट के क्लासिफिकेशन की बात कीजिएगा, तो सबसे पहला किंगडम कौन सा? प्लांटी। किंगडम कौन सा? प्लांटी। और किंगडम प्लांटी की बात कीजिएगा, इसमें एक कई सारे क्लास होंगे, जिसमें से एक क्लास कौन सा है? मोनोकोटिलेडोनी। और मोनोकोटिलेडोनी में कई सारे ऑर्डर होंगे, जिसमें से एक ऑर्डर है कौन सा? पोएल्स। और पोएल्स ऑर्डर कई सारे फैमिली से बनके मिले होंगे, जिसमें से एक फैमिली का कौन सा? पोएसी। और पोएसी फैमिली में कई सारे जीनस होंगे, जिसमें से एक जीनस है कौन सा? ट्राइटिकम। और अगर बात कर लीजिएगा, ट्राइटिकम में कई सारे स्पेसिफिक एपिटेट होंगे, ये कहा जाता है ट्राइटिकम एस्टिबो। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। सो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट आर मेरली द मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बच्चे एक डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज है, जिसके बेस पे आप क्लासिफाई कर सकते हैं, ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का एग्रीगेशन नहीं है। अगले पॉइंट पे आते हैं बच्चे। सो अगला टॉपिक है हमारे पास टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स करने का मतलब क्या होता है बच्चे? वैसा इंस्ट्रूमेंट, वैसा मेथड जो हमको क्लासिफिकेशन में टैक्सोनॉमी करने में मदद कर दे। क्या बोल लीजिएगा? टैक्सोनॉमिक एड्स। सो मेथड, प्रोसीड्यूर, टूल्स एंड टेक्निक आर यूज्ड टू हेल्प इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज आर कॉल्ड एज व्हाट? टैक्सोनॉमिकल एड्स। फिर से बोल रहा हूं, वैसा मेथड, प्रोसीड्यूर, टूल्स, टेक्निक जो हमको क्लासिफिकेशन में मदद करे, टैक्सोनॉमी में मदद करे, टेक्सोनॉमिक स्टडी में मदद करे, क्या बोल लीजिएगा इसको? टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिकल एड्स आर आल्सो फंडामेंटल एंड एसेंशियल फॉर द ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक्स। अगर सिस्टमैटिक्स की बात करेंगे ना, तो सिस्टमैटिक्स में आपको हर हाल में किस तरह से क्लासिफाई करेंगे, किस तरह से टेक्सोनॉमिक स्टडी करेंगे, ये चीजें बताई जाती है। तो आपको अल्टीमेटली क्या समझाया जा रहा है? टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसके रूल रेगुलेशन को समझाया जा रहा है। इट इज यूज्ड टू क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमिकल एड्स का क्या पर्पस है भाई? हम टैक्सोनॉमिक स्टडी कर रहे हैं, टैक्सोनॉमिकल स्टडी करके अल्टीमेटली क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इंटेंसिव लैबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज। अब किसी ऑर्गेनिज्म का आप आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहला फील्ड में जाके उसका कैरेक्टर ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को नोट करना पड़ेगा, उसके बाद उसके केमिकल नेचर पे, सेलुलर स्ट्रक्चर पे, एनाटॉमिकल कैरेक्टर पे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर पे स्टडी करना पड़ेगा।
कहने का मतलब हमको लेबोरेटरी की भी जरूरत है और हमें फील्ड स्टडी की भी जरूरत है। बिना आज के समय में बिना एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, बिना साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर, बिना केमिकल स्ट्रक्चर, बिना एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का क्लासिफिकेशन हम नहीं करते। आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला टैक्सोनॉमिक एड्स है हमारे पास हर्बेरियम। सबसे पहला टैक्सोनॉमिक एड्स कौन सा है? हर्बेरियम। तो हर्बेरियम होता क्या है? अरे भाई, बचपन में फूल को अपने किताब के अंदर रख दिया करते थे, इसी तरह का कुछ टेक्निक है हर्बेरियम। अब फूल को अपने किताब के अंदर रखते थे तो हमारे पेज पन्ने किताबों के खराब हो जाते थे, तो हमारे हर्बेरियम सीट खराब ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले इसको आराम से रख सके इसलिए पहले इसको कंप्रेस कर देते हैं, सुखा देते हैं, और उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद इसके ऊपर फंगिसाइड पेस्टिसाइड कहां से कलेक्ट किए, ये सारी चीजों का इंफॉर्मेशन दे देंगे। डन। अब आपकी मर्जी होगी, इतना बड़ा हर्बेरियम सीट बना लिए, मेरी मर्जी होगी इतना बड़ा बनाए, तो रखने में कॉम्प्लिकेटेड होगा ना बच्चे, तो हर्बेरियम सीट का साइज फिक्स कर देंगे, है ना। देखते हैं, स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सो हर्बेरियम होता क्या है? हर्बेरियम डेड प्रेस एंड ड्राइड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन। सबसे पहले क्या किए, डेड मतलब तोड़ दिए, अपरूट करके लेके चले आए तो डेड हो गया, उसके बाद प्रेस किए, ड्राई कर दिए, उसके बाद प्रिजर्व कर दिए, और प्लांट स्पेसिमेन का, एनिमल स्पेसिमेन का नहीं, हर्बेरियम सीड किसके लिए बनाया जाएगा, हर्बेरियम है किसके लिए, तो हर्बेरियम है प्लांट स्पेसिमेन का म्यूजियम। प्लांट स्पेसिमेन को ड्राइड प्रेस्ड एंड बोल सकते हैं प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन को एक जगह पे रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, हर्बेरियम, है ना। स्टोर हाउस है, ड्राई गार्डन है, क्यूक रेफरेंस सिस्टम है। अब मान लीजिए कि हम फॉरेस्ट में घूमने नहीं जा सकते, हमारे पास पैसे इतने नहीं है, तो आपको हर्बेरियम लेके चलेंगे, और हर्बेरियम में प्लांट का क्या शेप होता है, कौन सा स्ट्रक्चर है, क्या है नहीं है, सारा इंफॉर्मेशन दे देंगे, आपको समझ में भी आ जाएगी चीजें बिना पैसा खर्च किए, है ना। तो एक ऐसा स्टोर हाउस जिसमें प्लांट का ड्राइड प्रेस्ड और प्रिजर्व स्पेसिमेन रखा गया है, इसी को क्या बोल लीजिएगा, हर्बेरियम। अब हर्बेरियम सीट का साइज स्टैंडर्ड होता है, कितना साइज है, 11.5 × 16.5 इंच। अब हर्बेरियम में क्या कुछ हम लोग को लिखना है, तो सबसे पहले मान लीजिए आज मेरी इच्छा हुई किसी प्लांट को कलेक्ट करके, तो हर्बेरियम सीट पे ये प्लांट के स्पेसिमेन को चिपका दिए, है ना। कैसे चिपकाएं बच्चे, इसको चिपकाने के लिए सबसे पहले इसको सुखा दिए, प्रेस कर दिए, और फंगिसाइड डाल दिए, उसके बाद पेस्ट कर दिए, और पेस्ट करने के बाद अब इसमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। सबसे पहला इंफॉर्मेशन, किस डेट में हम जाके कलेक्ट किए हैं, कौन से प्लेस पे जाके कलेक्ट किए हैं, किसके द्वारा कलेक्ट किया गया है, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, इसका लोकल नेम क्या है, इसका इंग्लिश नेम क्या है, और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये सारे पॉइंट आपको हर्बेरियम में मेंशन करने पड़ेंगे, हर्बेरियम सीट पे मेंशन करने। हर्बेरियम सीट करने का मतलब एक पेज में जिस सीट में हम प्लांट के स्पेसिमेन को चिपका रहे हैं, और हर्बेरियम करने का मतलब एक पूरा का पूरा स्टोर हाउस जहां पे ये हर्बेरियम सीट को जमा किया गया, रखा गया। तो कोई स्कूल भी हो सकता है, कोई कॉलेज भी हो सकता है, और आपका घर भी हो सकता है हर्बेरियम सीट। आगे की ओर बढ़ सकते हैं। दूसरा है बॉटनिकल गार्डन। Largest botanical garden in the world is Royal Botanical Garden, which is situated in Kiwi and England. Kiwi, जो कि England में situated है। Botanical garden क्या होता है? हम अपने study purpose के लिए बाहर से कुछ कुछ plant को लाके अपने बड़े से yard में लगा दे रहे हैं, और प्लांट का classification कर दे रहे हैं, कौन से family से belong कर रहा है, local name क्या है इसका, biological name क्या है, ये सारी चीजों को मेंशन कर दे रहे हैं। तो प्लांट के बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन देने वाला जो स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं बॉटनिकल गार्डन। और सबसे लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन का नाम क्या है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, कहां पे है, इंग्लैंड में, इंग्लैंड के क्यू प्लेस पे। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे सिचुएटेड है, NBRI सिचुएटेड है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश और इंडिया बोल लीजिएगा। अगला चल लीजिएगा, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहां पे सिचुएटेड है, कोलकाता, कोलकाता में कहां, हावड़ा, और ये सारा कहां है, इंडिया। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, बायोलॉजिकल म्यूजियम। स्कूलों में, कॉलेजों में आप देखे होंगे एक ग्लास के अंदर कुछ स्नेक को रखा हुआ है, इंसेक्ट को रखा हुआ है, लिजार्ड को रखा हुआ है, दिस इज व्हाट,
ये बोल लीजिएगा बायोलॉजिकल म्यूजियम है। प्लांट स्पेसिमेन को सुखा के ड्राई करके रख रहे हैं तो इसको बोल देते हैं हर्बेरियम, और एनिमल स्पीसीज को सुखा नहीं सकते, इसको उसी फॉर्मेट में प्रिजर्व करके रखना। सुखाते, सुखाने का भी प्रोसेस होता है, वाटर को हम डी वाटर इसे डिहाइड्रेट करवाते हैं, लेकिन अल्कोहल के हेल्प से, सनलाइट के हेल्प से नहीं, है ना। तो अल्कोहल के हेल्प से इसको डिहाइड्रेट करके रखना, जमा करके रखना, जिसकी जिसमें जाके ये सड़े नहीं, गले नहीं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, बायोलॉजिकल म्यूजियम। म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन। अब हर्बेरियम में सिर्फ और सिर्फ किसको जमा किया गया था, प्लांट स्पेसिमेन को, म्यूजियम में प्लांट स्पेसिमेन और एज वेल एज एनिमल स्पेसिमेन दोनों को, फॉर द स्टडी एंड रेफरेंस। आपको स्नेक देखना है तो आप स्नेक को देख पाएंगे, मारेंगे तब देख पाएंगे ना बच्चे, यहाँ पे पहले से स्टोर किया हुआ है, आप जाइए और आराम से उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर को देखिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। स्पेसिमेन आर प्रिजर्व इन कंटेनर्स और जार, सॉरी कंटेनर और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में डाल के 70% इथेनॉल ले लीजिएगा, और भी कई सारे प्रिजर्वेटिव आते हैं उसमें आप डाल के स्टोर कर सकते हैं। इन द म्यूजियम ड्राइड स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर ऑल्सो केप्ट। अगर बात कर लेते हैं म्यूजियम में, तो ड्राइड स्पेसिमेन प्लांट का और एनिमल्स का भी हम स्टोर कर सकते हैं। आगे की ओर बढ़ सकते हैं। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। और अगर लार्जर एनिमल्स और बर्ड्स की बात करते हैं तो इसको प्रिजर्व किया जाता है, पहले इसको ममिफिकेशन करते हैं और उसके बाद फिर हम इसको क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। अगले पॉइंट पे जाते हैं बच्चे, तो अगला पॉइंट हमारे पास है बायोलॉजिकल म्यूजियम। बायोलॉजिकल म्यूजियम की ही बात कर रहे थे, तो इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग किलिंग एंड पिनिंग। हम म्यूजियम में कैसे किस तरह से ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करते हैं, तो सबसे पहले इसको कलेक्ट करते हैं, इसको मारते हैं और उसके बाद एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में डाल देते हैं। म्यूजियम ऑप्टिन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स टू। अब एनिमल्स का स्केलेटन को भी म्यूजियम में रखा जाता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसा स्टडी सेंटर बना रहे हैं जहां पे बिना किसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखे हुए हम सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देख सकते हैं, एनाटॉमिकल कैरेक्टर को देख सकते हैं। दैट इज अबाउट द म्यूजियम। आगे की ओर बढ़ते हैं। जूलॉजिकल पार्क, जैसे बोटनिकल गार्डन था बच्चे, उसी तरह से जूलॉजिकल पार्क एक ऐसा एरिया जहां पे हर तरह के एनिमल्स को स्टोर किया जा रहा है, रखा जा रहा है, लाइव एनिमल को रखा जा रहा है, और इसके नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करने का सिस्टम बनाया जा रहा है। सो दीज आर द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर, एंड दे इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट एंड बिहेवियर। अब हम ला के यहाँ पे एनिमल्स को करते क्या है, इसके बिहेवियर को देखते हैं, इसके फूड हैबिट को देखते हैं, और क्या कुछ इसको प्रॉब्लम हो सकता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। ऑल एनिमल्स इन जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। मैं अभी आपको बताया था, इन सारे एनिमल्स को जिस एनवायरनमेंट में ये रह रहे थे उसके जैसा एनवायरनमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगले पॉइंट पे आते हैं बच्चे, तो अगला स्टेटमेंट है हमारे पास की कहने का मतलब क्या होता है बच्चे, की कहने का मतलब एक ऐसा टेक्निक जो कि हमें क्लासिफिकेशन के लिए हेल्पफुल होता है। सो रूट स्टेम लिप आर प्रेजेंट एंड रूट स्टेम एंड लिप्स आर अब्सेंट। ये अगर रूट स्टेम और लिप्स प्रेजेंट है तो आप क्या बोल दीजिएगा, इसको नाम दे दीजिएगा बच्चे, क्या नाम दीजिएगा, इसको नाम दीजिएगा एम्ब्रियोफाइटा, ठीक है। और अगर रूट स्टेम और लिप्स नहीं प्रेजेंट है तो आप क्या बोल लीजिएगा इसको, थैलोफाइटा। कहने का मतलब अगर ये स्टेटमेंट जो है आपको क्या कर रहा है, क्लासिफिकेशन में हेल्प कर रहा है और एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है,
तो एंटागोनिस्टिक है तो इसको क्या नाम दीजिएगा, क्यूपलेट। हर स्टेटमेंट जो कि हमको क्लासिफिकेशन में हेल्प कर रहा है दैट इज अबाउट द लीड, और कई सारे स्टेटमेंट को एक साथ मिला देंगे तो क्या कहला जाएगा, की कहला जाएगा। वैस्कुलर टिश्यू इज फॉर्म्ड और नॉट फॉर्म्ड। अब एम्ब्रियो फाइटा की बात करते हैं बच्चे, एम्ब्रियो फाइटा को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एम्ब्रियो फाइटा को बोलिएगा दो कैटेगरी में बांटा गया है, कौन कौन सा दो कैटेगरी है, एक को बोल देते हैं ए ट्रैकिएटा और दूसरे को बोल देते हैं ट्रैकिएटा। पहला है ए ट्रैकिएटा और यहां पे क्या बोल लीजिएगा ट्रैकिएटा, ट्रैकिएटा। तो अगर एम्ब्रियो फाइटा की बात करें थे ए ट्रैकिएटा है और ट्रैकिएटा है, तो वैस्कुलर सिस्टम में भी फॉर्म और वैस्कुलर सिस्टम में नॉट बी फॉर्म, जहां पे बन गया है उसको बोल लीजिएगा ट्रैकिएटा, नहीं बना है तो ए ट्रैकिएटा। ए ट्रैकिएटा का एग्जांपल कौन सा, ब्रायोफाइट, और ट्रैकिएटा का टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये दोनों एंटागोनिस्टिक का स्टेटमेंट है ना बच्चे, क्या बोल लीजिएगा, क्यूपलेट। अगला चल लीजिएगा ओव्यूल्स सीड आर प्रोड्यूस और नॉट प्रोड्यूस। अगर सीड बन रहा है तो स्पर्मेटोफाइटा, नहीं बन रहा है तो नॉन स्पर्मेटोफाइटा, क्या बोल लीजिएगा, दीज टू आर एंटागोनिस्टिक ना, तो क्यूपलेट। और इन सारे बेसिस पे एक साथ हम क्लासीफाई कर रहे हैं, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, तो क्या बोल लीजिएगा, सारे के सारे स्टेटमेंट को एक साथ मिला के की बोल देते हैं। सो बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जनरली इन अ पेयर कॉल्ड क्यूपलेट, इच स्टेटमेंट ऑफ की इज कॉल्ड एज व्हाट, लीड। ये पूरा का पूरा क्या है, की है, और हर स्टेटमेंट की का क्या कहा जाएगा, लीड। और अगर एक दूसरे से एंटागोनिस्टिक है, पेयर में प्रेजेंट है, तो क्या बोल लीजिएगा, क्यूपलेट बोल लीजिएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं, की ही बात करते हैं। दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन और रिजेक्शन ऑफ अनदर। जैसे मैं दो पॉइंट बता रहा था, अगर लीफ रूट और सूट प्रेजेंट है तो इसको बोल रहे थे क्या, इसको बोल रहे थे एम्ब्रियो फाइटा, और नहीं है तो क्या बोल रहे थे, थैलोफाइटा। या वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है तो ट्रैकिएटा, और नहीं प्रेजेंट नहीं है तो क्या बोल रहे थे, ए ट्रैकिएटा। तो एक को एक्सेप्ट किया जा रहा, दूसरे को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन द टू अपोजिट ऑप्शन। एक आपको चॉइस बता रहा है, एक में होगा दूसरे में नहीं होगा, ट्रैकिएटा ए ट्रैकिएटा, स्पर्मेटोफाइटा नॉन स्पर्मेटोफाइटा। की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, आप एनालिसिस कर सकते हैं, एक में है दूसरे में नहीं है तो ऐसा। आगे चलते हैं, सेपरेट की आर मेड फॉर डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज such as family, genus and species. अलग अलग taxonomic categories के लिए अलग अलग की होगा। एक species को identify करने के लिए अलग की, genus को identify करने के लिए अलग की, family को identify करने के लिए अलग की। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, last taxonomic categories की ही बात कर रहे थे, तो taxonomic categories का अगला point है हमारे पास flora। flora कहने का मतलब समझिएगा बच्चे, flower, पर्टिकुलर एरिया में पाया जाने वाला प्लांट, पर्टिकुलर प्लांट। जैसे मान लीजिएगा पटना में रोज फ्लावर बहुत अबंडेंट रूप में मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, पटना का फ्लोरा कौन सा है, रोज फ्लावर। अगर बात कर लेते हैं सीप, कश्मीर में बहुत ज्यादा अमाउंट में मिल रहा है, तो ये सीप कहां का फौना हो गया, कश्मीर का फौना हो गया, है ना। तो फ्लोरा हो गया यहाँ पे, और दूसरे पॉइंट पे आ गया हमारे पास क्या, फौना। फ्लोरा कहने का मतलब लिस्ट ऑफ प्लांट हैबिट डिस्ट्रीब्यूशन फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एनिमल्स, पर्टिकुलर प्लांट। पहला तो फ्लोरा हो गया बच्चे, और दूसरे की बात कर लीजिएगा फौना, फौना। तो ये बोल लीजिएगा पर्टिकुलर प्लांट इन पर्टिकुलर एरिया, और इसको बोल दीजिएगा पर्टिकुलर एनिमल, एनिमल इन पर्टिकुलर एरिया। अब अगले पे आ जाते हैं बच्चे, अगला है हमारे पास कैटलॉग। अगर हम कैटलॉग की बात करते हैं, आप बच्चे बहुत अच्छे से वाकिफ है, कपड़े खरीदने जाते हैं बोलते कैटलॉग दिखा दीजिए, एक ऐसा बुक है ना, देखिएगा अ स्मॉल बुकलेट लिस्ट ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट, लिस्ट ऑफ नेम ऑफ पब्लिकेशन एंड लिस्ट ऑफ बोटनिकल टाइटल। एक ऐसा बुक जिसमें, एक छोटा सा बुक जिसमें हर बुक के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि कौन से बुक में क्या लिखा हुआ है, दैट इज अबाउट द कैटलॉग। आगे चलते हैं, मैनुअल्स की बात कीजिएगा, तो लिप ऑफ लिस्ट ऑफ प्लांट आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर ऑफ प्लांट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। आप जैसे
सांभर लेक घूमने के लिए गए तो वहां पे आपको एक मैनुअल्स मिलेगा और उसमें दिखाया हुआ रहेगा यहाँ पे इतने प्रजाति फ्लेमिंगो के हैं और ये इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसी तरह से आसाम घूमने के लिए चले गए तो वहां का अलग मैनुअल्स होगा, इतने सारे एनिमल्स हैं, इसका ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, तो पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन सा एनिमल्स मिल रहा है, क्या उसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ये सारे पैटर्न को एक्सप्लेन करने वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, मैनुअल्स। और मोनोग्राफी, किसी एक पर्टिकुलर टैक्सॉन के बारे में लिखा हुआ है, सोलेनम के बारे में लिखा हुआ है, पॉलीमोनियल्स के बारे में लिखा हुआ है, तो इसको क्या बोल लीजिएगा, मोनोग्राफी, दैट इज लाइक अ बायोग्राफी। एक पर्टिकुलर टैक्सॉन, एक स्पीसीज के बारे में नहीं, टैक्सॉन के बारे में, देखिएगा साफ साफ लिखा हुआ है, एक पर्टिकुलर टैक्सॉन, टैक्सॉन हो सकता है किंगडम, हो सकता है ऑर्डर, हो सकता है क्लास, हो सकता है फैमिली, हो सकता है जीनस, हो सकता है स्पीसीज। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में नहीं, स्पीसीज तो बोल सकते हैं, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, टैक्सॉन कहलाता है, बट एक इंडिविजुअल को टैक्सॉन नहीं बोल रहे थे, ठीक है बच्चे। और इस तरह करके चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है और हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।